हेलो फ्रेंड, हम आपको बताऊंगा सबमर्सिबल के कनेक्शन के बारे में, जो है एक सिंगल फेज 1 HP का कनेक्शन है। इसका कनेक्शन के जो वायर आता है रेड, येलो, ब्लू, एक ग्रीन, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शन हो रही है, ये जो कनेक्शन है ये अंदर से ही इसको रोटेशन एकदम सही करके निकालता है, क्योंकि ये बाहर से कोई रोटेशन चेंज नहीं किया जाता। देखिए, ये है केबल, केबल का रंग आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। और मैंने जो कनेक्शन किया है, देखिए ये रेड वायर जो है ये रनिंग कोयल का है, इधर एक जो लीड है ये रनिंग कोयल का है, और येलो के साथ जो स्टार्टिंग कोयल दिया हुआ है, और इधर एक स्टार्टिंग कोयल। आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग और रनिंग एक साथ होके ब्लू में जो ब्लू में कनेक्ट होता है। इसके पैनल में जहाँ पर लिखा होता है रेड, येलो, ब्लू, उधर ये ब्लू लगता है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, दोनों कोयल का आपस में कनेक्ट होता है। और कैपेसिटर जो लगता है इस रेड और येलो, इस दोनों पर कैपेसिटर लगता है। तो आपको मैंने कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा मैं नीचे नमाता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, और उसके बाद देखा। देखिए, ये जो देख रहा है ये रेड वायर का है, और ये देखिए ये स्टार्टिंग कोयल का है, देखिए ये येलो का है। इधर दोनों एक साथ शॉर्ट होके न्यूट्रल बन चुका है। देखिए मैंने रोटेशन किस तरह सेट किया है। रनिंग कोयल के देखिए, ये सामने वाला कोयल लिया और स्टार्टिंग का लिया मैंने ये पीछे वाला, देखिए इस कोयल का एक लूप लिया, जो कि जो मेरा मोटर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूमेगा, ठीक है, घोड़ी एक इधर घूमेगा, ठीक है। तो इस पाम में क्या होता है, जो पाम इम्पिलर रहता है, तो इम्पिलर का उल्टी दिशा में इसको घुमाने से पानी उठेगा। तो चलिए मैंने इम्पिलर आपको दिखाता हूँ किस तरह इम्पिलर घूमता है। मेरे पास अभी ये इम्पिलर है, देखिए जो इम्पिलर तो इस तरह बैठाता है, तो इस तरह जब बैठेगा तो मोटर इसी से घूमेगा, इस तरह घूमेगा, जो घूमने से क्या होगा, इम्पिलर में पानी इस तरह इधर घूम रहा है, तो पानी इधर लेके इस इधर निकल जाएगा, तो मोटर इस तरह जल्दी से तेजी से घूमेगा, इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसलिए मैंने कनेक्शन को भी एंटी क्लॉकवाइज किया है। देखिए स्टार्टिंग कोयल का ये जो देख रहा है लोग, ये स्टार्टिंग कोयल का ही है, देखिए ये वाला, ये स्टार्टिंग कोयल का इस साइड को लिया है, और रनिंग कोयल का ये लिया है, जो कि मैं मोटर स्टार्टिंग में इधर से ही घूमेगा, ठीक है। और ये जो रनिंग कोयल का है और ये स्टार्टिंग कोयल का, देखिए और लूप एक मैंने येलो के साथ कनेक्ट किया। मैंने क्योंकि यहाँ पे ब्लैक टिप और कांचा रबर से इसको अच्छा से बाइंडिंग कर दूंगा, तो यहाँ पे पानी नहीं घुसेगा, मोटर भी शॉर्ट नहीं होगा। तो इसलिए कनेक्शन आपको दिखा दिया किस तरह कनेक्शन करना है। तो चलिए और एक बार अच्छा से ध्यान से देख लीजिए, ये है ये स्टार्टिंग और रनिंग। चलिए मैंने ऊपर उठा के दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये जो कनेक्शन है ये देख रहा है ये ब्लू, ठीक है, और ये है रनिंग कोयल का एक है, और ये स्टार्टिंग कोयल का एक देख रहा है वो अंदर, जो कि मैंने मोटर को इस तरह घुमाना है, तो इसलिए इसका बाएं तरफ मैंने लूप लिया है। दाहिने घुमाना है तो मैंने रनिंग का इस एज लूप लेता हूँ, इसको इधर घुमाना है, तो लेकिन मैंने मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो इसलिए मैंने इस लूप को लिया है और रनिंग का इसको, दोनों के लेके एक ब्लू में कनेक्ट किया है। और ये वाला देखिए ये जो है ये स्टार्टिंग का है, तो मेरे मोटर को जब दूसरी दिशा में घुमाना है तो इस वायर को मैंने उल्टी से कर दूंगा, तो इसको चेंज करेगा तो रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। यही है फ्रेंड, इस वीडियो के बारे में और कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हम इसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।